श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में पांच अणुव्रतों का वर्णन करने के बाद में उन अणुव्रतों का फल बताने के लिए आगे का श्लोक आ रहा है। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा देव्यशरीरं च लभ्यन्ते। पढ़ो एक बार। पंचाणुव्रत निधयो यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं चल। जो पांच अणुव्रतों की बात बताई गई थी उन पांच अणुव्रतों को यहाँ पर निधि के रूप में कहा जा रहा है। किसके रूप में? निधि जानते हैं, निधि मतलब एक बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा खजाना। पांच अणुव्रतों को धारण करना ही अपने आप में सबसे बड़ा धन है और यही सबसे बड़ी निधि है। और यह निधि कैसी है? कहा जा रहा है निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम्। अगर हम पांच अणुव्रतों का भी पालन अच्छे ढंग से करें, निर्दोष करें, तो वह भी सुरलोक में जाकर के फलीभूत होता है। अणुव्रतों के माध्यम से जो आपको फल मिलेगा वह फल विशेष रूप से परलोक में आपको देखने को मिलेगा। परलोक का मतलब जो यह शरीर छोड़ने के बाद में इस आत्मा का जहाँ पर जन्म होता है उसको परलोक कहते हैं। तो यह भी आपके दिमाग में यह निश्चित रूप से अवधारणा बन जानी चाहिए कि हमारा जीवन केवल यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी है और होता रहेगा। हम जो यहाँ मनुष्य जन्म में करेंगे इसका फल हमें यहाँ तो मिलेगा ही, यहाँ तो हमें देखने को समझ में आता ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इसका फल है वो आपके लिए अगले जन्म में प्राप्त होगा। अब आप कहो महाराज अगले जन्म की क्या व्यवस्था बनाना, अगले जन्म को किसने देखा? अब जिसने श्रद्धा की है, जिसका विश्वास है, उसको सब दिखता है और जिसका विश्वास नहीं है उसे कुछ नहीं दिखता है। अगले जन्म की व्यवस्था वही बनाता है जो इस जन्म में भी अपनी आत्मा को समझता है और यह जानता है कि आत्मा का कभी भी जन्म मरण रुकता नहीं है और यह जन्म हुआ है तो अगला जन्म भी होगा ही। और जब उसे तत्वों की व्यवस्था समझ में आ जाती है, श्रद्धा हो जाती है, तो वह अपने आप इस बात को स्वीकारने लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर जन्म पाकर के आज हम कुछ सुखी या कुछ दुखी हैं, कुछ अनुकूलताएं हैं या कुछ प्रतिकूलताएं हैं, ये सब हमारे कुछ पिछले पुण्य और पाप कर्म के यहाँ पर खेल हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ अच्छा करेंगे, कुछ यहाँ पर अणुव्रत इत्यादि का पालन अच्छे ढंग से करेंगे, तो अगला जन्म हमारे लिए बड़ा व्यवस्थित होगा
और आगे आगे की तैयारी रखना, आगे की व्यवस्था बनाना, भविष्य के बारे में सोचना, यही बहुत अच्छा मनोभाव ज्ञानी लोगों का माना जाता है। वर्तमान में जो है उसमें अगर आप केवल खुश हैं और उसी को आप केवल भोग करके उसी का आप आनंद ले रहे हैं तो आपके लिए वो चीज़ ठीक तो है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। ठीक में और अच्छी में अंतर होता है कि नहीं होता? हाँ, ठीक ठाक का मतलब हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है तो वो ठीक तो है लेकिन अच्छा क्या होगा कि यदि आप आगे की भी कुछ सोचें। आगे की सोचने का नाम चिंता है और चिंता हमें करना नहीं महाराज, इसलिए हमें आगे की कुछ सोचना नहीं। ऐसा यदि कहो तो फिर एक बात बताओ कि चिंता आपको कहाँ नहीं करनी पड़ती है, आगे की कहाँ नहीं सोचनी पड़ती है? क्या आप अपना घर परिवार चलाने के लिए आगे की नहीं सोचते? क्या आप अपना व्यापार धंधा करने के लिए आगे की नहीं सोचते? क्या आप आज जो व्यापार कर रहे हैं आगे कैसे होगा, क्या होगा, इस तरीके से नहीं सोचते? तो जिस तरह से आगे की चिंता किए बिना आपका अभी भी वर्तमान नहीं चल रहा है, अभी भी आपके लिए कुछ हासिल नहीं हो रहा है और जो कुछ भी होता है तो वो आगे की चिंता करने से ही होता है, तो चिंता का मतलब यहाँ पर इतना है आगे का विचार करना। समझ आ रहा है? भविष्य के बारे में सोचना, भविष्य की विचारधारा भी एक अच्छे ढंग से आदमी के दिमाग में बनी रहती है कि भविष्य में यदि हम कुछ होंगे तो किस तरह से होंगे, क्या होंगे, इस तरह का विचार करके ही वर्तमान में आदमी कुछ काम करता है और भविष्य को सामने रखता है। भविष्य को सामने रखे बिना तो कोई काम करता ही नहीं कुछ भी, और संभव भी नहीं है। जो कुछ भी आपका संसार का कार्य चल रहा है वो सब भविष्य को सामने रख कर के ही किया जाता है, तो भविष्य तो कहीं ना कहीं हमारे सामने होता है, उसकी चिंता हर कोई करता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जिस तरह से आपको यहाँ के भविष्य की चिंता है, इससे आगे भी जीवन है, मनुष्य जन्म के बाद भी जीवन होगा, उस भविष्य की भी चिंता कुछ करनी चाहिए। वहाँ पर भी जब आपका जीवन चलेगा तो वह केवल आपके अपने ही कर्मों के फल से चलेगा, इसलिए उस भविष्य के लिए जो योजना है वो योजना यहाँ बनाई जा रही है। समझ आ रहा है? यहाँ की योजना आपकी जितनी भी है वो आपकी यहीं तक सीमित है। जितनी भी आपकी कोई भी योजनाएं हैं, इंश्योरेंस हैं, वो सब आपके यहीं तक सीमित हैं। ऐसी कोई इंश्योरेंस आपने किया कि जो आगे तक भी काम आए, अगले जन्म तक भी काम आए? समझ आ रहा है? जब पिछला परिग्रह परिमाण व्रत का वर्णन कर रहा था तब भी आपको बताया था कि जो आप अपना मेडिक्लेम कार्ड बनवाते हैं वह आपके लिए तब काम आएगा जब आप बीमार पड़ेंगे, और वह भी काम यहीं तक रहेगा जब तक आप यहाँ पर हैं। यहाँ से जाने के बाद में कोई इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए कोई सुविधा देने वाली नहीं है। जो भी आपने इंश्योरेंस किया है वो सब आपका यहीं तक, जीवित हैं तो जीवित में मिल जाएगा और मर गए तो मरने के बाद फिर आपको नहीं मिलेगा, आपके परिवार को मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए अपना क्या होगा जो अगले जन्म में भी हो? वो जो बीमा है, वो जो इंश्योरेंस है, वो इन पंच अणुव्रत रूपी निधियों के माध्यम से होता है ना? आचार्य कहते हैं कि जो यहां पर पंच अणुव्रतों का निर्दोष पालन करता है वो नियम से स्वर्ग में ही देव होता है। कहां पर फलेगा उसका यहां का पुण्य, यहाँ के व्रत की तपस्या का परिणाम कहाँ फलेगा? तो स्वर्गों में। स्वर्ग का मतलब स्वर्ग ही समझना, और कुछ नहीं। आप लोग अभी चौथा अध्याय भी पढ़ रहे हो तत्वार सूत्र का, उसमें चार प्रकार के देव आते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। उनमें केवल वैमानिक देवों को ही स्वर्ग के देव कहते हैं, हाँ बाकी तो सब भवनत्रिक में आता है।
भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में उत्पत्ति होना बड़ी बात नहीं है, वहां तो उत्पत्ति अन्य जीवों की भी हो जाती है और जिनकी लेश्याएं अच्छी नहीं होती और जिनके लिए क्लेश से भी कभी देवायु का बंद हो जाता है वो भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं, हीन पुण्य वाले भी वहां उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन यहां जो बात कही जा रही है वो किस देव की बात? वैमानिक देवों की बात। स्वर्ग उन्हीं को बोलते हैं, कल आपको ये सब तत्वार सूत्र में समझाया जा रहा है, स्वर्ग के विमान, स्वर्ग के देव, उन्हें कल्पवासी देव, सौधर्म, ऐसान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये 16 स्वर्ग हैं। समझ में आ रहा है? ये 16 स्वर्गों के नाम हैं और इन्हीं को स्वर्ग कहा जाता है। नीचे जो भवनवासी हैं, व्यंतरों के तमाम विमान हैं, ज्योतिषी देव भी जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनको स्वर्ग में नहीं लिया जाता है। स्वर्ग का मतलब ऊर्ध्व लोक में रहने वाले देव, और ये सब तो मध्य लोक में, अधोलोक में भी रहने वाले देव हैं। तो ऐसे स्वर्ग की यहां पर बात कही जा रही है, इसी को बोलते हैं सुरलोक, माने देवलोक में भी उस जगह पर जाकर के फलेगा। यत्रावधि रष्ट गुणा, कहते हैं यहां पर अवधि माने जीवन पर्यंत तक, जितना जीवन है तब तक 8 गुण बहुत रूप में फलते हैं। अष्ट गुण यहां पर कौन से बताए जा रहे हैं? अड़िमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं जो देवों में उनकी शक्तियां कही जाती हैं। और इन्हीं के साथ में वो देव जब रहते हैं तभी उन्हें महसूस होता है कि हाँ हम कुछ बड़े देव हैं। समझ आ रहा है? ऐसे बड़े देवों के माध्यम से ये रिद्धियां फलती हैं और इन रिद्धियों के फल वहां पर जो मिलते हैं वैमानिक देवों के, वो भवनत्रिक के देवों में नहीं मिलते। ये रिद्धियां होती तो भवनत्रिक देवों के पास भी है, लेकिन वह उस हिसाब से नहीं होती, उस संख्या के साथ नहीं होती जैसी कि वैमानिक देवों में पाई जाती है। दिव्य शरीरम चलंभन्ते, और वहां पर वह दिव्य शरीर की प्राप्ति करता है, ऐसा दिव्य शरीर जिसमें किसी प्रकार का रोग नुकसान कुछ भी न हो, वहां पर जाने के बाद में फिर आपको किसी भी डॉक्टर की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, ऐसा बढ़िया शरीर। और उस शरीर का सुख भोगने वाला जीव कौन सा होगा? जीव तो यही होगा। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए आज वह शरीर दुख दे रहा है तो वो दुख भी यही जीव भोग रहा है, अगर शरीर सुख दे रहा है तो वह सुख भी यही शरीर भोग रहा है, जीव भोग रहा है, और आगे भी जो शरीर मिलेगा तो उसका भोक्ता तो यही जीव होगा जो यहां बैठा है। समझ आ रहा है? तो उस जीव की जो सुन रहा है, जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, उस जीव के अंदर ये चिंता आती है कि यहां पर जो हमारे पास में है वो तो चलो ठीक ही है, लेकिन इसमें ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारे लिए आगे भी कम से कम जितना हमारे लिए संसार में रहने का समय है उस टाइम में सब हमारे लिए अच्छा अच्छा ही मिले, कष्ट के साथ आगे का जीवन ना मिले। जो भी हमारा यहां पर मान लो अगर पाप का उदय है या पुण्य का उदय है तो आगे भी वह कैसा फल हमें मिलना चाहिए, आगे हमारे लिए वैसा पाप का उदय ना आए, इस तरीके का जो विचार आता है यह विचार ही सम्यक ज्ञानी का विचार कहलाता है। तो वो सम्यक ज्ञानी क्या करता है? कम से कम घर में रहकर के भी वह कुछ करने की कोशिश करता है तो वो कहता है भैया इससे सरल चीज, इससे बढ़िया इंश्योरेंस कंपनी और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। करना तो कुछ नहीं है, कोई चीज का अभाव भी नहीं करना, घर में ही रहना है, जो चीजें मिली हैं उनसे अपना सब जीवन भी चलाना है, बस थोड़ा थोड़ा सा लिमिट बना करके हर चीज का अपने लिए एक सीमित तरीके से उपयोग करना है, और अणु व्रत का पालन करके अगर ये 5 प्रकार की निधियां हमारे लिए इतना बड़ा बीमा दे रही हैं कि ये सुरलोक में जाकर के हमारी व्यवस्था बना रही हैं
तो इसमें फिर पीछे रहने का कोई भी हमारे लिए औचित्य समझ में नहीं आता। समझ आ रहा है? इससे बढ़िया चीज क्या होगी? अगर आपका विश्वास होगा तो आपके लिए जरूर मन बनेगा कि मुझे पांच अणुव्रतों का तो ग्रहण करना ही है। अगर विश्वास नहीं भी होगा तो भी आपके दिमाग में आएगा कि आखिर अगर हम विश्वास नहीं भी करेंगे तो भी बात तो बिल्कुल सही जम रही है कि जन्म तो अगला होना है, कहाँ होगा, कैसे होगा, इसकी व्यवस्था अगर हमें इस धर्म के अनुसार मिल रही है तो हमें उस व्यवस्था में भी अपने आप को संलग्न कर लेना चाहिए। सुन रहे हो? अब ये व्यवस्था देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। देखो, अगर मान लो आप ये सोचो कि हमारे लिए व्रत लेने का भाव नहीं हो रहा, सुन रहे हो, अगर आपके अंदर यह भाव आ रहा है कि हमारे लिए व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है, तो एक आपके लिए वार्निंग दी जा रही है, आप उसको ध्यान से सुनना। सुन रहे हो? एक तो वो है, हाँ व्रत लेने का भाव हो रहा है लेकिन अभी सोच रहे हैं, परिस्थितियां देख रहे हैं, लेकिन एक ये नहीं, हमें तो व्रत लेना ही नहीं, हमारे अंदर तो व्रत लेने का कोई भाव ही नहीं। सुन रहे हो? बोलूँ आगे? डरोगे तो नहीं? डर जाओ तो भी चलो, अच्छी बात है। सैद्धांतिक बात आपको बता रहा हूं, अगर आपके अंदर व्रत लेने का भाव नहीं होता तो बहुत कुछ संभावनाएं सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार कही जा रही हैं, और वो ये हैं कि जिन लोगों को देव आयु के अलावा अन्य आयु का बंध हो जाता है उन्हें व्रत लेने का भाव नहीं होता है। क्या कहा गया? फिर से बोलूं? जिन लोगों को, जिन आत्माओं को देव आयु के अलावा अन्य आयु, अन्य आयु मतलब या तो मनुष्य आयु का बंद हो गया हो, या तिर्यंच आयु का बंद हो गया हो, या नरक आयु का भी बंद हो गया हो, तो अन्य किसी आयु का यदि बंद हो जाता है तो फिर आपके अंदर अणु व्रत लेने का भी भाव नहीं आएगा। ये नियम है। जरूरी नहीं है कि जिनके अंदर अणुव्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है तो उन सबको ऐसा हो ही गया हो, लेकिन जिनको हो गया है तो जिन नियम से भाव नहीं आएगा। समझ आ रहा है? ये आयु बंध का बहुत बड़ा फर्क है। क्यों है? क्योंकि अगर आपने अणुव्रत ले लिए तो अणुव्रत का फल तो यहां क्या बताया जा रहा है, नियम से स्वर्ग में जाना है, देव ही बनना है। और अगर आपके लिए पिछली कोई आयु का बंध हो चुका है तो फिर आप देव कैसे बन पाएंगे, क्योंकि आयु का बंध हो गया तो आयु का फल तो भोगना ही होता है, और किसी कर्मों में तो परिवर्तन हो भी जाए लेकिन आयु कर्म का फल तो नियम से भोगना ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये बात गलत हो जाएगी जो यहां बताई जा रही है, और शास्त्र की बात कभी गलत हो नहीं सकती। इसलिए ये नियम है कि जिसके लिए मनुष्य आयु, नरक आयु या तिर्यंच आयु का बंद हो गया वह जीव अणुव्रत नहीं ले सकता है, वो नहीं ले सकता है। ये उसके लिए चैलेंज दिया जा रहा है। समझ आ रहा है? अगर आपके पास में अणुव्रत लेने की भावना आ रही है तो इसका मतलब है अभी उस आयु का या तो बंद नहीं हुआ, उन तीनों आयुओं का। यदि हुआ है तो हो सकता है, अब देखो एक बात और अच्छी, देव आयु का यदि बंद हो गया होगा तो आप अणुव्रत ले सकते हो। समझ आ रहा है? और अणुव्रत लेने के बाद में यदि आयु का बंद होगा तो नियम से देव आयु का ही बंद होगा। ये देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। समझ में आ रहा है? अणुव्रत अगर नहीं लिए, ले लिए तो नियम से देव आयु का बंद होगा, और अणुव्रत नहीं लिए लेकिन अगर देवायु का बंद हो चुका है और फिर भी अगर अणुव्रत लोगे तो क्या होगा, तो भी आपके लिए देव आयु ही मिलेगी। इतना अवश्य है, अगर आपने पहले संक्लेश परिणामों के साथ में अपने
और किसी मिथ्यात्व आदि के साथ में भी मान लो आपने देवायु का बंध कर लिया है और फिर आपने सम्यक्त्व के भाव के साथ में अड़ुव्रतों के साथ में देवायु को और आपने बढ़ाया, तो उसमें ये फायदा मिलेगा कि पहले जो आपके लिए आयु का बंध हुआ था वो तो घटिया आयु का बंध हुआ होगा, कौन सी वाली, भवनत्रिक वाली, और फिर अगर आपने अड़ुव्रत ले लिए तो वही देवायु, देवायु तो रहेगी, देवायु में अंतर नहीं आएगा, लेकिन उसमें जो अलग तरीके की वैरायटी हैं, जैसे भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, ज्योतिषी हैं, तो ये वैरायटी ना मिलकर के फिर आपको कौन सी क्वालिटी वाले देव बनेंगे, वो बनेंगे वैमानिक देव। तो देवायु तो बनी रही, लेकिन वह देव अगर बिना अड़ुव्रत के वो देव बन रहा था तो वह कैसा देव बना, भवनत्रिक का देव बन सकता है। अड़ुव्रत ले लेगा तो उसके परिणामों की विशुद्धि के कारण से उसे वह देवायु वैमानिक देवों की आयु में परिवर्तित हो जाएगी। आयु में इस तरीके का उत्कर्षण अपकर्षण तो हो जाता है, लेकिन कभी आयु का परिवर्तन होकर के देवायु से त्रियंश आयु हो जाए या त्रियंश से देवायु हो जाए, ऐसा नहीं होता। सुन रहे हैं ना, जैसे आपने नरक के बारे में सुन रखा है, राजा श्रेणिक ने सप्तम नरक की आयु का बंध किया, लेकिन जब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, भगवान के समक्ष आया, उसकी बुद्धि सुलझी, तो उसने ऐसी अच्छी भावनाएं की, सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसी विशुद्धि के कारण से उसको छायिक सम्यक दर्शन हो गया और वह सातवें नरक की आयु घट करके पहले नरक की रह गई। तो ये क्या होता है, आयु में इस तरीके से शुभ भावों से जो खराब आयु है उसकी स्थितियां कम हो जाती हैं और जो शुभ आयु हैं उनकी स्थितियां बढ़ जाती हैं। वो अच्छे और अच्छी स्थिति का, स्थिति का मतलब जिसका स्थिति बंध भी अच्छा हो, यानी कि सागरों पर्यंत तक की आयु वाले बड़े बड़े रिद्धिधारी देवों का बनना, यह सब अड़ुव्रत और सम्यक दर्शन के साथ ही संभव है। तो अड़ुव्रती जीव अपने जीवन में यदि कोई भी आयु का बंध करेगा तो यह निश्चित हो जाएगा कि वह नियम से देव आयु का ही बंध करेगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ कितनी अच्छी ये व्यवस्था है, और यह सैद्धांतिक व्यवस्था पर अगर आपका विश्वास बनेगा तो आपके लिए ये बात तो कहीं से कहीं तक कहने में ही नहीं आएगी कि नहीं, मैं अभी अड़ुव्रत लेने लायक नहीं हूं। कैसे भी बने, हमें यह निधि तो अपने अंदर धारण करना ही चाहिए। इससे सरल व्यवस्था आत्मकल्याण की और कहीं आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, और ये पांचों प्रकार के अड़ुव्रतों के बारे में आपको बताया जा चुका है अच्छे ढंग से। एक एक अड़ुव्रत के बारे में आपको समझाया जा चुका है, और किसी भी अड़ुव्रत में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपके लिए करने लायक ना हो। समझ आ रहा है? कौन सी ऐसी चीज है बता भी नहीं रहे हो और ले भी नहीं रहे हो, ये क्या बात हुई? महाराज हमारे तो अड़ुव्रत पलते ही हैं, हम तो अड़ुव्रतों जैसा जीवन जीते ही हैं, हमारे लिए तो अड़ुव्रत चल ही रहे हैं, ऐसे नहीं। संकल्पित होकर के पांच अड़ुव्रतों का अपने अंदर भाव रखना और पांच अड़ुव्रतों का पालन करना, क्योंकि श्रावक के आठ मूल गुण होते हैं, उनमें ये पांच अड़ुव्रत आएंगे, उसके बाद में तीन और गुण आएंगे, वो भी इसमें आगे आने वाले हैं। तो पहले आपके अंदर ये पांच अड़ुव्रत होने चाहिए, है ना। और वैसे देखा जाए ये अड़ुव्रत आप लोगों के लिए तो है ही नहीं, नहीं समझ आ रहा है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये अड़ुव्रत मुख्यतया देखा जाए तो उन सामान्य लोगों के लिए हैं जिन्हें कुछ भी धर्म का ज्ञान नहीं होता, या उन्हें धर्म में लगाने के लिए इन अड़ुव्रतों का उनके लिए पालन करने का नियम दिया जाता है, ताकि वो आगे चल करके इन्हीं अड़ुव्रतों के माध्यम से अपने मूल गुण आदि का पालन कर सके। आपको तो इससे आगे की सोचना है, इससे बढ़कर की सोचना है। समझ आ रहा है? पांच अड़ुव्रतों से काम नहीं चलेगा, आठ मूल गुण होना चाहिए जो आगे बताए जाएंगे, और उन मूल गुणों में ये पांच अड़ुव्रत निहित होंगे।
इसलिए आप ये जान करके रखो कि यहाँ पर जो आपके लिए अड़ुव्रत की व्यवस्था है यह तो बहुत मामूली सी व्यवस्था है, यह तो प्रत्येक जैन के पास में होती ही है। इस व्यवस्था के साथ में ही प्रत्येक जैन आगे बढ़ता ही है और इसी तरह की व्यवस्था करने पर ही वह जैन अपने अंदर एक धर्म का भाव लाता है कि नहीं, मैं भी धार्मिक हूँ, मेरे अंदर भी धर्म भाव है। इस तरह की व्यवस्था इन्हीं अड़ुव्रतों के माध्यम से आती है। तो वहाँ पर जब आपके लिए ये अड़ुव्रत फलेंगे तब आपको लगेगा कि देखो मैंने छोटे से अपने जीवन में इन अड़ुव्रतों का पालन किया तो अब हमें यहाँ पर कितना बड़ा जीवन मिल रहा है और इतने बड़े दीर्घ जीवन में भी हमारे लिए अब ये सब तरह का सुख ही सुख है। यह आत्मा के सुख की व्यवस्था आचार्यों ने की है और ये हर संसारी प्राणी के लिए है, इसमें कठिनता के नाम पर कुछ भी नहीं है। महाव्रत तो है नहीं, सब ऐसे अड़ुव्रत हैं जिनके नाम भी अगर आप देखो तो जिनके उदाहरण देकर के अब आगे आने वाले गाथा में बताने वाले हैं वो उदाहरण भी लोगों के लिए प्रेरणादायी हैं कि जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा है? पांच अड़ुव्रतों के बारे में आपने सुन लिया, पांच अड़ुव्रतों के अतिचार माने दोष भी सुन लिए और पांच अड़ुव्रतों का यह फल भी सुन लिया। अब आचार्य आगे कहते हैं कि इन अड़ुव्रतों में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं उनके नाम भी सुन लो ताकि आपको लगे कि ऐसे अड़ुव्रतों का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। मातंगो धन देवश्च वारिषेणस्ततः परः नीलीजयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। हाँ पढ़ो एक बार। मातंगो धन देवश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। देखो ये पांच व्यक्तियों के, प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम दिए जा रहे हैं। पहला नाम है मातंग, इसका नाम आ चुका है ना। मातंग माने होता है, यह चांडाल का एक नाम है जिसका नाम था यमपाल चांडाल, है ना। इसको अहिंसा अड़ुव्रत में यहाँ पर प्रसिद्ध रूप से इसका नाम रखा है। अहिंसा अड़ुव्रत में यह प्रसिद्ध हुआ और इसकी प्रसिद्धि का जो मूल कारण था, इसने अहिंसा अड़ुव्रत देखो किस रूप में लिया। इस जीव की अपनी पर्याय थी, चांडाल की पर्याय थी, नीच कुल का व्यक्ति था, तो इसके लिए हिंसा को पूर्णतया छोड़ना असंभव था। तो उसने एक दिन की हिंसा का भी त्याग करने का जो भरपूर संकल्प लिया था मन वचन काय से, उसके फल को यहाँ पर अहिंसा अड़ुव्रत के रूप में दिखाया है। तो इससे क्या समझना, अगर व्यक्ति अपने क्रियाकलापों से, अपने जाति के कारण से अगर कोई निम्न कार्य में भी लगा हुआ है तो वह व्यक्ति भी अड़ुव्रतों का पालन करता है लेकिन एक मर्यादा के अनुसार करता है, उसके लिए है। आप ऐसा नहीं कहना कि अगर वो जो है हिंसा को एक दिन के लिए छोड़ सकता है तो मैं हिंसा 20 दिन के लिए छोड़ देता हूं महीने में। समझ आ रहा है? क्योंकि वो अगर एक दिन की हिंसा के त्याग से देव बन सकता है तो मैं 20 दिन की हिंसा छोड़ देता हूं। तो आचार्य कहते हैं उसकी योग्यता में और आपकी योग्यता में अंतर है। उसकी योग्यता के लिए यही बहुत बड़ी चीज है कि उसका जीवन पूरा इसी तरीके से चल रहा है, तो वह अगर अपने जीवन में विश्वास के साथ में ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए यह बहुत फल देने वाला होता है। और आपका जीवन, आपके जीवन में हिंसा करना तो कोई नियम है ही नहीं, हिंसा के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने का कोई कार्य है ही नहीं, आपको तो अपना जीवन अच्छा मिला है तो उसमें आपको और अच्छा करना है, जो मिला है उसमें अच्छा करना है। यमपाल का तो उदाहरण दिया जा रहा है ये समझने के लिए कि उसने देखो एक अड़ुव्रत का भी अगर पालन किया और एक दिन के लिए भी, अगर मात्र चतुर्दशी के लिए भी 15 दिन में एक दिन का उसने व्रत लिया
तो भी उसने अपने व्रत को निभाने के लिए मृत्यु तो स्वीकार कर ली, लेकिन व्रत को नहीं छोड़ा। समझ आ रहा? ये सीखना इससे, इसलिए इसका नाम दिया है। और ये जो अड़ुव्रत इत्यादि के जो नियम होते हैं, ये हमने लिए तो स्थूल रूप से हैं, लेकिन समय की जो अवधि है वो जीवन पर्यंत के लिए होती है। अगर उस यमपाल ने भी नियम लिया है तो 15 दिन में एक दिन जो चतुर्दशी पड़ती है उसमें हिंसा नहीं करने का नियम लिया, लेकिन वह नियम उसने लिया तो जीवन पर्यंत के लिए। समझ आ रहा? यह उसके लिए बड़ी चीज थी। इसी तरीके से जब भी कोई सदगृहस्थ अड़ुव्रत धारण करता है तो वह जीवन पर्यंत के लिए लेता है। ऐसा नहीं कि महाराज एक साल के लिए दे दो, दो साल के लिए दे दो, हाँ उसमें भी बाहर की छूट, तो ऐसे फिर क्या मिलेगा आपको? फिर आपने परीक्षा दी ही कब? समझ आ रहा? परीक्षा देने का समय आए और आप जो है विचलित हो जाओ या परीक्षा हॉल से भाग जाओ, तो फिर आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर आपको पास का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, है ना? जब आप बाहर जाते हो, कुछ और करते हो, तो आखिर तभी तो आपके लिए परीक्षा होती है, वही तो परीक्षा का समय होता है। और उस परीक्षा के समय को यदि आप इस तरीके से छूट के रूप में ले लो तो फिर आपने करा ही क्या? घर में रह करके सुविधा के अनुसार तो हर कोई कर रहा था। एकाध दिन, दो चार दिन अगर कहीं पर किसी भी समय पर अगर कोई ऐसा मौका पड़ गया जब आपके लिए कष्ट आ गया, तभी तो पता पड़ेगा कि हाँ आपने उस व्रत को छोड़ा नहीं। तो यमपाल के उदाहरण से ये देखो कि उसने अगर चतुर्दशी का नियम लिया था तो निभाया था। ऐसा नहीं था कि चतुर्दशी अब अगली वाली कर लेंगे, नहीं समझ आ रहा है? हाँ, एक चतुर्दशी को तो अपना काम कर लेते हैं, जब अगली आएगी तो अगली वाली कर लेंगे, या एक दिन और कोई एक्स्ट्रा कर लेंगे, अलग से जाके फिर महाराज से प्रायश्चित ले आएंगे। समझ आ रहा है? ये भाव नहीं आया देखो उसके अंदर। ये तो आप लोगों के अंदर आएगा, आप कह दो वो तो जानता भी क्या होगा महाराज प्रायश्चित क्या होता है। अगर वो नहीं भी जानता है तो भी उसके लिए यह नहीं जानना भी बहुत अच्छा हुआ। समझ आ रहा है? आपकी वह जानकारी भी आपके लिए अहितकारी हो सकती है, जिसमें कि आप जानबूझ करके इस तरह का भाव लाते हो और इस तरह के व्रतों में दोष लगाने का कार्य करते हो। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि वह यमपाल नाम का जो चांडाल था, उसने अपना जीवन पर्यंत के लिए जो छोटा सा व्रत लिया था, एक ही अड़ुव्रत लिया था, वह अड़ुव्रत उसने पूरा निभाया था। अब देखो यहां पर एक बात और है। एक तो पांच अड़ुव्रत में पांचों लेना, या पांच में से कोई एक ले लें महाराज, कि दो ले लें, कि तीन ले लें, कि चार ले लें, एक ये भी हो सकता है, है? नहीं समझ आ रहा है? लोग गणित तो सब लगा ही रहे हैं। अगर पांच में से आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मैं दो ले लूं, तीन ले लूं, चार ले लूं, एक नहीं कर सकता, सुन रहे हो? तो आपके लिए क्या व्यवस्था है? इस ग्रंथ के अनुसार तो यही कहना पड़ेगा कि यहां पर पांचों अड़ुव्रतों का आपके लिए निर्देश दिया जा रहा है ना? यहां पर तो एक एक अड़ुव्रत की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो उदाहरण दिया जा रहा है उसमें एक एक अड़ुव्रत में प्रसिद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया जा रहा है, और उसने जो व्रत लिया है वो एक ही अड़ुव्रत का लिया, ये भी बात है। नहीं समझ आ रहा है? अब उस यमपाल चांडाल की कहानी में उसने कोई पांचों अड़ुव्रत तो लिए नहीं थे, ना तो उसने झूठ का, ना चोरी का, ना कुशील का, ना कोई और परिग्रह का, तो उसने कोई प्रमाण बनाया ही नहीं था। उसने तो केवल एक अड़ुव्रत लिया था, बस हिंसा नहीं करने का, तो वो उसी में देखो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। समझ आ रहा है? तो फिर बात वही है कि ये एक अड़ुव्रत भी, दो अड़ुव्रत भी उनको दिए जाएंगे जो जैन कुल में जन्म ना लिए हो। समझ आ रहा है ना? जिन्हें जैन बनाना हो, जिनके लिए धर्म के अंदर थोड़ा सा समावेश करके उन्हें धर्म पर विश्वास लाना हो, तो उनके लिए यह एक दो तीन चार अड़ुव्रत की भी व्यवस्था बन जाएगी, लेकिन तुमसे यह कंसेशन में काम नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? हाँ, आप अगर चाहो कि हम कंसेशन के साथ में ये काम कर लें तो नहीं चलेगा, आपको तो पांचों ही लेने हैं।
तो पांचों ही अड़ुव्रतों में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, ये पहला तो मातंग नाम का व्यक्ति है, दूसरा धनदेव नाम का व्यक्ति हुआ जो सत्य अड़ुव्रत में प्रसिद्ध हुए। किसमें? हाँ, इनकी भी कहानियाँ तो सब कथा कोशों में लिखी रहती हैं, आप पढ़ लेना। और उसमें यही एक भाव था कि धनदेव और उसके साथ एक और व्यक्ति था कोई, दोनों व्यापारी थे और दोनों व्यापारियों ने आपस में एक भाव कर लिया कि कोई भी हम व्यापार करेंगे और उसमें जो भी हमारे लिए मुनाफा होगा तो उस मुनाफे में हम आधा आधा बांटेंगे, ऐसा उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया था। तो इसका जो मित्र था उसने जो है नीयत उसकी थोड़ी सी बिगड़ गई, तो वो कहने लगा कि भाई हमारा जितना मुनाफा होता है उसमें से तुम्हारे को जितना काम का है उतना ले लो, आधा आधा की क्या जरूरत है। जबकि उसने मेहनत पूरी की और सब उसने आधा आधा का पहले एग्रीमेंट किया था, लेकिन वो देता था उसको थोड़ा थोड़ा, आधा नहीं देता था, समझ आ रहा है। तब ये केस गया जज के पास में, उस समय जज क्या होते थे, पंचायतें ही जज हुआ करती थी, समझ आ रहा है। तो पंचायतों में जब ये केस गया तो उसने न्याय की मांग की, तो उसके न्याय को सुना गया और उस समय पर उसके न्याय की परीक्षा करने के लिए और कोई उस समय पर उपाय नहीं हुआ करते थे, तो पहले एक दिव्य परीक्षा कहलाती है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कि किसी से कहेंगे तू अपने हाथ पे अंगारा रख ले, समझ आ रहा है, अगर तेरे लिए तेरा वचन सत्य होगा तो यह अंगारा तेरे हाथ को जलाएगा नहीं, हाँ, इतना मतलब ये परीक्षा करने के तरीके हुआ करते थे। तो अगर दो में से एक आदमी गलत है तो उसके लिए इस तरीके की परीक्षा करने का एक जो है उसे मौका दिया जाता था, और उस परीक्षा में ये धनदेव ने अपने हाथ पर अंगारा रख लिया और इसकी बात सही साबित हुई कि ये कहता था कि मैंने आधा आधे का एग्रीमेंट किया था लेकिन ये मुझे पूरा देता नहीं है, थोड़ा थोड़ा देता तो इसके हाथ पर रखा हुआ अंगारा भी जला नहीं, हाथ इसका जला नहीं, इसलिए धनदेव की कथा प्रसिद्ध हुई, समझ आ रहा है। फिर कौन है, वारिसेण, इनकी भी कथा आप लोगों ने सुनी ही होगी, जहाँ वारिसेण मुनि महाराज की कथा आती है वहाँ पर अचौर्य अड़ुव्रत में भी इनका नाम इसलिए आता है कि ये एक शमशान में एक बार तपस्या कर रहे थे और उसी समय पर कोई चोर आकर के इनके सामने जो है, जो राजा के यहाँ से चोरी करके आया था, इन्हीं के सामने जो है वो हार डाल के चला गया। पीछे से सिपाही आए, लोगों ने देखा, अरे भाई ये हार तो इसके पास पड़ा है, माने चोरी इसी ने की है। तो क्या हुआ, लोगों ने, वो तो कर रहा था अपनी सामयिक वारिसेण, लोगों ने उसी को पकड़ लिया और पुलिस पकड़ के ले गई, और कहने को वो राजा श्रेणिक का ही पुत्र है, समझ आ रहा है, और फिर भी जो है उनको सजा सुनाई गई और उस सजा में जो है उनके लिए फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने अंदर जो उनके अंदर भाव था कि मैंने चोरी नहीं की, तो उसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और फांसी के लिए तैयार हो गए, और वह फांसी का फंदा उनके लिए गले की फूल की माला बन गया। किसके प्रभाव से, उनके अंदर वह चोरी का भाव नहीं था, चोरी उसने नहीं की थी, इस अचौर्य अड़ुव्रत के प्रभाव से, समझ आ रहा है। ये व्रतों का प्रभाव इस तरीके से पहले के जमाने में लोगों को देखने को मिलता था। हाँ, आज क्या होता है, आज कुछ नहीं होता, ये इसलिए नहीं होता कि शायद आपका व्रत नहीं होता, समझ आ रहा है। ये तो होता है कि जिन्होंने अपराध नहीं किया होता है वो भी अपराधी सिद्ध हो जाते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं कि निरपराधियों को सजा मिल जाती है, निरपराधियों को फांसी भी लेनी पड़ती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो इसलिए कि उन्हें अपने उस अपराध न करने का उनके प्रति अंदर कोई संकल्प नहीं था, समझ में आ रहा है। अगर व्यक्ति के अंदर संकल्प हो कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, और फिर अगर उसके लिए कोई ऐसा कहे, अपवाद करे या उसके लिए कोई तरीके की सजा दी जाए, तो उसके लिए यह अतिशय आज भी दिखाई देते हैं और दे सकते हैं। ये फर्क किसका है, इस संकल्प का फर्क है।
इसलिए कहा जाता है कि संकल्प लेने पर ही व्रत होता है, बिना संकल्प के व्रत नहीं कहलाता। आप अगर अपने मन में सोच रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करता, तो वो आप नहीं करते हो, वो व्रत नहीं है, बस करते नहीं हो इतना ही है। तो नहीं करते हैं तो क्या हमें उसका पाप का बंध लगता है? जब तक नहीं कर रहे हो तब तक नहीं लग रहा, और जिस दिन कर लोगे उस दिन जो लग रहा है वो भी लगेगा और उससे ज्यादा भी लगेगा। नहीं करने का संकल्प लेने का मतलब होता है व्रत, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या समझ आ रहा है? ऐसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी, कुशील, परिग्रह, नहीं के साथ में जो मन में विचार संकल्प के रूप में आता है उसका नाम व्रत है। तो यही व्रत उसके अंदर इस तरह के अतिशय को उत्पन्न करा देता है। यहां लिखा जा रहा है आगे, वारिसेणस तत्व नीली जयश्च संप्राप्ता, है ना, एक नीली नाम की कन्या हुई है, जैसे अनंतमती की कथा सुनाई थी इसी तरीके से नीली कन्या की भी कथा है, वो भी आप लोग पढ़ लेना, और वो भी उसके ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध कथा है। और जय कुमार, ये वही जय कुमार हैं जो सेनापति रहे भरत चक्रवर्ती के, है ना, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के पुत्र जो भरत चक्रवर्ती हुए, उन्हीं के जो सेनापति थे जय कुमार, वह जय कुमार बहुत बड़े सेनापति होकर के भी चक्रवर्ती के एक निधियों में से एक निधि कहलाती है, समझ आ रहा है, या रत्नों में से एक रत्न कहलाता है। तो ये एक रत्न माना जाता है, सेनापति रत्न, तो वह रत्न के रूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त थे, लेकिन फिर भी उनके लिए भी उन्होंने भी मतलब एक सेनापति होकर के बहुत सारा उनके पास में राजकोष सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी परिग्रह की सीमा बना करके रखी थी, और उस परिग्रह की सीमा की परीक्षा करने के लिए भी देवलोग आए, उन्हें लालच दिया, लेकिन उन्होंने उस परिग्रह को की जो सीमा बना रखी थी उसको लांघा नहीं, तब जो है इनका नाम जय कुमार का इस रूप में अपरिग्रह अड़ुव्रत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो बड़े बड़े सेनापति, चक्रवर्ती के निकटवर्ती आदमी भी व्रत लेते हैं, सुन रहे हो, भरत चक्रवर्ती का कहीं नाम नहीं आया इसमें क्या समझ आ रहा है? जो लोग भरत चक्रवर्ती के ज्यादा गुणगान गाते हैं उन्हें तो ये तो बताना चाहिए कि कहां पर आचार्यों ने भरत चक्रवर्ती का नाम किसी विशेष रूप में लिया हो, है? सेनापति का नाम आ रहा है जय कुमार का, और भरत चक्रवर्ती का नाम नहीं आ रहा है, मतलब भरत चक्रवर्ती ने कोई भी कोई मर्यादा, कोई उनके लिए सीमा, कोई अपरिग्रह इत्यादि का कोई भी व्रत में उनकी प्रसिद्धि नहीं थी। बस उनकी प्रसिद्धि किसमें हो गई? घर पर रह के बैरा गई, समझ आ रहा है? अब ये कोई व्रत तो होता नहीं, घर पर रह के बैरागी इस नाम का कोई व्रत तो होता नहीं, ये तो एक जो है उपाधि मिल गई, घर पर रह के बैरागी। तो सब गृहस्थों के लिए बस यही एक सस्ता उपाय दिखता है, बोले ये उपाधि सबसे अच्छी, घर पर रह के बैरागी, तो इस उपाधि के चक्कर में तो सब पड़े हैं, लेकिन पांच अड़ुव्रतों को धारण करने के विचार में कोई भी गृहस्थ के अंदर भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लगता है कि घर पर रह करके वैरागी बने रहने से बिना व्रत लिए हुए ही शायद ज्यादा हमारे लिए सम्यक दर्शन बना रहेगा, सम्यक ज्ञान बना रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम व्रत ले लें और लेने के बाद में उसका पालन ना कर पाए तो वह जो है क्या हो, उसमें दोष लगे या वह व्रत छूट जाए तो फिर उससे हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, इसलिए जो है बहुत से लोग डर करके भी अड़ुव्रतों का ग्रहण नहीं करते। अब आप विचार करो, जो चक्रवर्ती का सेनापति है वह भी अगर व्रत ले सकता है तो आप लोग तो छोटे मोटे व्यापारी हो, छोटे मोटे लोग हो, व्रत लेने में इस तरीके का विचार भाव रखना अपने लिए इन लोगों से सीखना चाहिए, समझ आ रहा है? आदर्श उनको बनाओ जिनके नाम आचार्यों ने लिए हैं, अपने मन से आदर्श मत ढूंढो। भरत चक्रवर्ती को कहीं आदर्श नहीं बनाया आचार्यों ने, आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहीं नाम लिया हो कि आचार्य कुंदकुंद भगवान ने कहीं नाम लिया हो उनका, कहीं नाम ही नहीं लिया भरत चक्रवर्ती का कोई आदर्श के रूप में कि हाँ भाई उस जैसे वैराग्य का आदर्श अपने जीवन में अपनाना। अगर ऐसा ही कोई आदर्श होता तो कोई नाम लिखा जाता
भरत के समान बैरागी ना कोई हुआ ना कोई होगा, कहीं ऐसा लिखा है कोई शास्त्र में, कोई आचार्यों ने गाथा में लिखा होता, कहीं संस्कृत के श्लोकों में कहीं लिखा होता? समझ आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ गृहस्थों ने इस चीज को इतना बढ़ावा दे दिया, इतना बढ़ावा दे दिया, बोल बोल करके एक एक प्रवचन में हर रोज यही बात बोलना, समझ आ रहा है? तो अपने आप उसके दिमाग में ये बात चढ़ जाती है कि हाँ वास्तव में बस यही बात करना, यही बात सही है। घर में रह के वैरागी, घर में रह के वैरागी, घर में रह के व्रती, ये बात नहीं, घर में रह के व्रती, घर में रह के व्रती, ये बोलते तो आज कितने व्रती बन चुके होते। घर में रह के अड़ुव्रती, घर में रह के अड़ुव्रती, ये बोला जाता हर प्रवचन में, तो आज कितने व्रती बन गए होते, लेकिन ये बोलते ही नहीं हर प्रवचन में। घर में रह के वैरागी, भरत जैसे वैरागी, बस तूने पता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, बस ठीक है, तो अपने मन का भाव है, राग है नहीं है, हमारे लिए नहीं है, नहीं है तो नहीं है, बस हो गया काम। कौन उसका कोई पैरामीटर तो ही नहीं कि है कि नहीं है। तो ऐसा लोगों ने इस उदाहरण को अपनी ढाल बना लिया कि हमें व्रत ना लेना पड़े इस बात के लिए। समझ में आ रहा है? इस उदाहरण को नहीं अपनाना, अपनाना चाहिए आपको ये उदाहरण। इतने उदाहरण दिए जा रहे हैं, 5 अड़ुव्रतों में जो प्रसिद्ध हुए उनके उदाहरण, और नीचे इसी के साथ में जिन्होंने हिंसा आदि की, माने अच्छाई के भी उदाहरण दिए जा रहे हैं और जिन्होंने बुरे किए उसके भी उदाहरण दिए जा रहे हैं। देखो, समझ आ रहा है? दोनों तरीके के उदाहरण पढ़ करके, इनकी कथाएं पढ़ करके आपको ये जानना है कि अच्छा क्या और बुरा क्या। ये क्या कहते हैं, पूजा अतिशय उत्तमम, यानी ये 5ों ही लोग पूजा के उत्तम अतिशय को प्राप्त हुए, यानी इनके जीवन में अतिशय बहुत अच्छे ढंग से घटित हुआ और ये सब पूजा के योग्य बने, माने इनकी भी प्रशंसा की गई। पूजा का मतलब क्या है, इनकी प्रशंसा की गई, देवों के द्वारा इनकी भी जय जयकार की गई, यही इनकी पूजा है ना। अब देखो, जो हिंसा आदि कामों में प्रसिद्ध हुए हैं उनके भी नाम नीचे दिए जा रहे हैं, धनश्री सत्य घोषौच तारसा रक्षकावपी, क्या लिखा है, उपाख्येयस तथा श्मश्रु नवनीतम यथाक्रमम। हाँ, ये पढ़ो 5 नाम फिर से पढ़ो, धनश्री सत्य नवनीतम यथाक्रमम। देखो, ये यथाक्रम से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों में ये 5 लोग प्रसिद्ध हुए हैं। पहला धनश्री है ना, इनकी कथा आगम से पढ़ लेना, कथा कोशों में खूब कथाएं इनकी लिखी हुई मिलती हैं। सत्य घोष, जिसकी कथा मैं शायद सुना चुका हूँ पहले, है ना, सत्य घोष जो सत्य बोलने के लिए अपनी कटारी अपने जनेऊ में बांध के रखता था, है मैं जीभ काट लूंगा, और तापस की कथा है, आरक्षक की कथा, और एक श्मश्रु नवनीत है। ये तो कैसा है, मतलब कि परिग्रह नाम में ये इतना प्रसिद्ध हुआ कि इतना कंजूस आदमी था कि धन को संचित करने के लिए इसके दिमाग में एक बड़ा विचार आया। समझ आ रहा है क्या आया? श्मश्रु होता है मूछ, जो मूछ वगैरह के जो बाल होते हैं ना उनको बोलते हैं श्मश्रु, और नवनीत तो आप जानते हो मक्खन, समझ आ रहा है? तो पहले के जमाने में मक्खन इत्यादि जो है फ्री में मिला करते थे, छाछ है, मक्खन है, ये सब चीजें फ्री में मिला करती थी। तो क्या हुआ कि इसने जो है एक तरीका सोचा कि मैं जहां पर मक्खन पीने जाता हूं वहां पर अपनी मूछें बड़ी बड़ी करके मक्खन पी के उसमें जो मक्खन लग जाएगा वो मक्खन निकाल लूंगा और फिर उसका घी बनाऊंगा और घी बना करके उसको बेचूंगा, उससे बहुत बड़ा पैसा मिलेगा और फिर उस पैसे से जो है मैं ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा कंजूस, समझ में आ रहा है? मतलब ये समझ लो कि इतने बड़े कंजूस तो आप कभी हो सकते हो। हाँ, तो हर चीज की लिमिट यहां पे बताई गई है, पाप की भी और पुण्य की भी, हिंसा आदि दोषों की भी और अहिंसा आदि गुणवान व्यक्तियों की भी। तो मतलब इस तरीके से वह उसने कर भी लिया,
मतलब कि उसने घी इकट्ठा कर लिया और घी इकट्ठा करके उसके सपने इतने आने लगे उस घी इकट्ठा करने के बाद में कि मैं जो है अब इस घी से है ना इतना जो है पैसा ले लूंगा और फिर उसके बाद में ऐसा घर बनाऊंगा उसमें ये होगा वो होगा, समझ आ रहा है। और उसी समय पर जो है उसके मन में विचार आया कि अगर मेरी पत्नी मुझसे आकर के कुछ भी कहेगी ना तो मैं उसको ये भी एक लात मार दूंगा। और उसने सपने में ही लात मार दी और घी का जो अंडा रखा था वो सामने रखा था वो सब गिर पड़ा, समझ आ रहा है। और वो सारा का सारा नीचे जो है कुछ चूल्हा वगैरह रखा था वो सब जल गया। वो क्या समझ आया, ये बताया जा रहा है तीव्र परिग्रह की लालसा वाले व्यक्ति भी दुनिया में होते हैं, जो रखते तो सब जाते हैं, बढ़ाने की कोशिश तो खूब करते हैं लेकिन कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं करते, और जिनके पास में कुछ है तो भी तिनका तिनका बीन बीन करके उसकी अपनी जो वृत्ति है उसके माध्यम से और बढ़ाते चले जाएंगे, समझ आ रहा है। और ये भी कहेंगे बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए, ऐसे कैसे दान कर दिया जाए, समझ आ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए यहां कहा जा रहा है कि ये कभी भी अपरिग्रह अड़ुव्रत को धारण नहीं कर सकते। तो जो लोग अपना जीवन अच्छे ढंग से जी रहे हैं, सामान्य तरीके से भी जीते हैं और उनके लिए किसी भी तरीके के खर्च नहीं है और आमदनी के साधन सब बने हुए हैं, उनको सोचना है कि हम इस तरीके के अड़ुव्रतों के माध्यम से अपने जीवन को सीमित बनाएं और कभी भी हम इस तरीके की कंजूसी आदि के भाव न रखें। दान आदि करने में जो व्यक्ति जितना उदार होता है और जिस तरह से वह अपने दान आदि के माध्यम से अपने धन आदि का सदुपयोग करता है, वही व्यक्ति के लिए धन का लाभ होना अच्छा माना जाता है। नहीं तो कृपण का धन किसी काम का नहीं होता है, उदार व्यक्ति का धन ही सबके काम में आता है। ऐसा विचार करके हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार अपने अंदर ये अड़ुव्रत आदि का पालन करने का पूरा मन बना करके रखना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की।